करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने होंगे। तब सर मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, और सर पहले ही मैं आपसे सबसे ज्यादा इंस्पायर हुआ था सर, आपको देख के ही मैंने लिया था। कहावत है ना कि डूबके को तिनके का सहारा, तो मैं ये कहूंगा कि मैं डूब रहा था तब आप नाव बन के आए, तिनका भी नहीं नाव बन के आए और मुझे यहाँ तक आपने पहुंचाया सर। तो वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज आप ही के बीच में से एक बच्चा हमारे साथ है, हर्ष। तो हर्ष गुजरात से है और अभी अभी इनका सिलेक्शन हुआ है क्लर्क में। तो सबसे पहले हर्ष आप ही के वेलकम कमेंट लेते हैं और ये बताओ कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद, और क्या है आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या रहा जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ? ओवर टू यू हर्ष। सर बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी जो पहले बर्डन था कि अभी अनएम्प्लॉयड है आगे क्या होगा कैसे होगा, वो सर अभी बर्डन नहीं हो रहा है। और मेन तो सर फैमिली है, तो जब उनको मैंने बताया कि मेरा क्रैक हो चुका है तो उनका रिएक्शन ही सर सब कुछ अब तक का जो बर्डन था जो भी अपनी मेहनत थी वो सर एक ही बार में सब वसूल हो गई मेरी तो। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही स्वीट आपका आंसर मुझे लगा, बहुत अच्छा कि सारी की सारी मेहनत एक बारी में वसूल हो गई जब उनका उनका रिएक्शन देखा। चलो बहुत अच्छा। एक सर वो रहेगा कि मैं वो रिएक्शन कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं भी उस टाइम सोच नहीं पाया जब देखा कि कांग्रेचुलेशन वी आर ग्रेट टू इन्फॉर्म, तो मैं भी कुछ सोच नहीं पाया, मैंने बता दिया। कोई नहीं, देखो कोई बात नहीं, देखो ये मोमेंट होती है, लेकिन फिर भी आपकी आंखों ने तो उन एक्सप्रेशन को देखा जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, और दिखाना किसको है यार। यस सर, ठीक है, होता तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, हमारे लिए तो हमें तो पता है ना कि हमारी कीमत कितनी है, हमारे फैमिली वालों को कितना अच्छा लगा। यस सर, आप ये मुझे आपके साथ रहेगा। और मुझे बताओ yes, कितना sir. क्या कब से आपने तैयारी शुरू करी, कैसी रही आपकी जर्नी और कैसे रहा पूरा ओवरऑल? मैंने सर 2019 में गवर्नमेंट की और स्टेप लिया था, तब मैं सिर्फ अपना पीएससी और ऐसे ही एग्जाम दे रहा था। पर उसमें सर मजा नहीं आया और एग्जाम पूरे नहीं होते थे, मतलब पेपर फूट जाता था, ऐसा हो रहा था गुजरात में। तो मैंने फिर लॉकडाउन लगा तो उस टाइम सोचा कि मुझे कुछ और देखना चाहिए, और सर मैंने तभी बैंकर्स पेपर आपका आप सबका वीडियो देखा और मुझे लगा कि बैंक एग्जाम में शायद क्रैक कर पाऊंगा। तो एक अगस्त 2020 से सर मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और बहुत सारे सर फेलियर देखे हैं। मैंने 6 प्रीलिम्स दी पहले, तो 6 के 6 में प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुई, फिर 6 की 6 मेंस दी, फिर हाँ पहले 6 प्रीलिम्स दी वो क्रैक नहीं हुई, फिर अगले साल 2021 में फिर से 6 प्रीलिम्स 6 6 क्रैक हो चुकी थी, 6 6 क्रैक हो चुकी थी, हाँ 6 की 6 एसबीए आईबीपीएस सब। और सर फिर थोड़े थोड़े मार्जिन से मेंस में रह गया, मैं आरआरबी पीओ में भी थोड़े मार्जिन से रह गया, क्लर्क में भी एसबीए पीओ में सर एक मार्क से रह गया, आईबीपीएस पीओ में भी रह गया, और लास्ट में ये सर आईबीपीएस क्लर्क में हो गया। तो ये इन 6 में से एक में आपकी किस्मत चमकी, 6 में से एक में। तो हाँ सर, अगर मैं बात करूं पहले तो सबसे पहले तो लास्ट टू लास्ट ईयर तो सारे प्री में ही फेल हो गए, मैंने तो प्रॉपर करी होगी, ऐसा तो नहीं है कि वो खराब करी होगी। तो वो मेहनत से करी फिर भी नहीं हुआ, फिर इस बार जब मेहनत करी तो सभी के सभी क्लियर हुए, सब में मेंस में पहुंचे, और मेंस हर एक मेंस में एक दो नंबर से रह गए, लेकिन इसमें फाइनली क्लियर ही हो गया। तो वो आपको क्या लगता है कि वो पहले प्री में फेल होना, प्री वाली जर्नी पहले मैं उसकी बात करूंगा कि हर बच्चे की लाइफ में, मैंने अभी मेरा अभी ये चौथा ये है जो मैं वीडियो जूम पर वीडियो कर रहा हूँ, फोर्थ आप स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, कि ये जर्नी हर एक बच्चे के साथ हुई है, पहले प्री में नहीं निकलता, फिर प्री निकलता मेंस निकलता, वो बात और है कि आप इंटरव्यू वाले में पहुंचे ही नहीं, वरना कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका मेंस निकल गया इंटरव्यू में जाके बाहर हो गए, मतलब ओवरऑल मैं सर पहुंचा था आरआरबी पीओ में इंटरव्यू में भी पहुंचा था, अच्छा पर लास्ट में नहीं हुआ, तो ये भी आपने वो भी फेस कर लिया, लेकिन इसमें जाके फाइनली हो गया। अब मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है, पहले भी आप ही थे, पहले भी जब 6 आपने प्री में देखे वो भी आप ही थे, अगली बार जब 6 प्री में पास हुए वो भी आप ही थे, फिर एक बार इंटरव्यू में गए, मतलब बाकी में इंटरव्यू में नहीं गए आरआरबी में गए वो भी आप ही थे, उसमें इंटरव्यू में बाहर हो गए वो भी आप थे, तो ये ओवरऑल ये इसमें आपने क्या चेंजेस देखा और आपने क्या चेंज किया आपने अंदर, कि कैसे उस जर्नी को फील किया, क्या आपने कुछ स्ट्रेटेजी बदली या आपने उसी पर अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके उसी को कंटिन्यू करा, क्या रहा ओवरऑल? सर पहले तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट मैंने 6 प्रीलिम्स दी थी तो उस टाइम पे मेरा विजन इतना ज्यादा नहीं होता,
इतना ज्यादा नहीं था कि मैं देख पाऊँ कि आगे क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या था कुछ था, क्योंकि उस टाइम सर मैंने 1-2 महीने की प्रिपरेशन की थी और मैं एग्जाम देने चला गया था। फिर एग्जाम दी तो मालूम चला कि ऐसे नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने होंगे। तब सर मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था और सर पहले ही मैं आपसे सबसे ज्यादा इंस्पायर हुआ था, सर आपको देख के ही मैंने लिया था। क्योंकि सर क्या होता है कि जो प्रीलिम्स फेल हुए ना तो मुझे अपने पर डाउट होने लगा कि मैंने ये जो पीसीएसए बैंक की तरफ चेंज किया है तो मैंने सही किया है या नहीं किया है, या मेरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा सेल्फ डाउट होने लगा था। तब सर आप आए थे मोटिवेट करने के लिए, आपने सर बहुत मोटिवेट किया है। एक कहावत है ना कि डुबके को तिनके का सहारा, तो मैं ये कहूंगा कि मैं डूब रहा था तब आप नाव बन के आए, तिनका भी नहीं नाव बन के आए और मुझे यहाँ तक आपने पहुंचाया सर। अरे भाई यार बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत थैंक यू सर। तो आप, अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, बात करता हूं मैं स्पेशली कि रीजनिंग में आप कहां पर फंसते थे, फिर आपने रीजनिंग को कैसे ओवरऑल इम्प्रूवमेंट किया। पहले स्टार्टिंग में जब पजल करते थे कितना समय लग जाता था, फिर बाद में मेंस की पजल करने में कभी कभी कितना समय लगता था, और उस सबके बाद आपने आज सिलेक्शन लिया, काफी सारे मेंस में भी आपने अब एक में मेंस भी क्रैक कर लिया, तो इसके आपने इसको कैसे टोटल अपने आपको आगे कर पाए रीजनिंग के अंदर। सर पहले फंसने की बात करो तो पजल ही आता है रीजनिंग में सबसे पहले। और सर ऐसा हाल था स्टार्टिंग में कि पजल करते, प्रीलिम्स की पजल करते हुए मेरे हाथ कांपते थे कि यार हो ही नहीं पा रहा था मेरे से, कैसे करूँ कैसे होगा, इतना टाइम लगता था। फिर सर फ्रस्ट्रेशन हो जाता था और नहीं करना है जब ऐसे। फिर सर आप वो कहते हैं ना कि सराहने से कि नन्हे बच्चे की, और हम कैसे एक पहले दूसरे में पढ़ता है उसकी तरह से आपने मेरे को सिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। सर अभी क्या प्रीलिम्स की पजल आती है ना तो 2 मिनट भी हार्डली लगते हैं, 1-1.5 मिनट में तो मैक्सिमम सॉल्व हो ही जाते हैं। और अभी मेंस की पजल में भी सर डर नहीं लगता है ऐसा, 5-6-7 मिनट में हो जाती है नॉर्मल पजल है तो, और ज्यादा एस बी पी ओ वाले है तो 10 मिनट के अंदर तो सर हो ही जाती है। तो शुरुआत में कितना टाइम लगता था मेंस वाली पजल में, जब आपने प्री की पजल में स्टार्टिंग में डर लगता था, फिर प्री की होनी शुरू हो गई, अब तो कह रहे आप कह रहे हो प्री में तो अब तो सर 2 मिनट के अंदर ही निपट जाता है, लेकिन जब मेंस की करने गए थे तो स्टार्टिंग में जैसे बच्चा होता था तो लगता है ये कहाँ आ गए हम, ये क्या आ रहा है ना, तो उसको कैसे उसको ओवरकम किया आपने उस फियर को। मैंने सर पहली मेंस की पजल सॉल्व की ना तो मेरे से हुई नहीं, मैंने छोड़ दिया सही में, मैंने आधा घंटा ट्राई किया फिर छोड़ दिया कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है। फिर आपसे देखा सीखा कि ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो धीरे धीरे टाइम कम होना स्टार्ट हुआ। पहले तो हो ही नहीं पा रहा था, फिर धीरे धीरे टाइम कम होना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा। और सर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मेरे को आ भी गया, पर वो आपकी स्ट्रेटजी वीडियो है ना कि अटेम्प्ट कैसे करें, वो सर एग्जाम में बहुत काम लगती है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपने कहाँ पे भी आप अटक गए तो फिर आगे आप डिमोटिवेट हो जाते और आपको वो आता है फिर भी आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। वो सर आपके स्ट्रेटजी वीडियो से सर वो सब कुछ दूर हो गया, उसी की वजह से सर यार यहाँ पे हाँ कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहले पजल छोड़ दो आता हो अभी वो नहीं कर पाते, ये बताना चाह रहे हो ना। हाँ सर कि उससे थोड़ा सा ये लग गया कि ऐसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे स्किप करना है, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक सर, मैं सर ये बात कहना चाहूंगा जो भी ये वीडियो देखेगा आगे कि आप जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो है ना कि अटेम्प्ट कैसे करें एग्जाम में, वो सर सब देखे क्योंकि उससे बहुत बहुत ही फायदा होता है सर, बहुत फायदा होता है। आप जितना हो आपका 100% आप एग्जाम में दे पाते हो उसकी वजह से। बहुत बच्चों को यही दिक्कत रहती है, उनको सब कुछ आने के बाद भी ये नहीं पता कि करना कैसे, पेपर को कैसे सॉल्व करना है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि बाकी सब लोग पेपर से पहले एटलीस्ट देखकर जरूर जाओ, जिससे भी आप पढ़ते हो कि वो बता कैसे रहे, पेपर को अटेम्प्ट करने का एक्चुअल वे क्या है, उससे आपको एक तो हैबिट बन जाएगी, उस तरीके से करोगे और थोड़ा सा नर्वस नहीं होगे वहां पर जाके, डरोगे नहीं कि पैनिक नहीं होगे कि क्या कर दिया एग्जाम में क्या आ गया। वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं कितने समय में आपकी कोई गोल्डन मोमेंट्स कोई आपको याद होगी, कोई ये मोमेंट था सर इसने मेरी लाइफ को थोड़ा सा चेंज किया, या सर ऐसा मेरे साथ हुआ था तो मुझे बड़ा धक्का लगा, कोई भी अच्छा खराब मोमेंट जो भी आप शेयर करना चाहें। ये सर 1 जनवरी को रिजल्ट आया था आरआरबीपीओ का, जिसमें इंटरव्यू भी मैंने दिया था, उसमें सर थोड़ा धक्का लगा था क्योंकि वहां पे मुझे उम्मीद ज्यादा थी कि हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू भी अच्छा गया था और मेंस में भी अच्छे मार्क्स थे,
पर वहां पे नहीं हुआ था, वहां पे धक्का जोर का लगा था 1 जनवरी को। पर वहां पे सर आपकी भी वीडियो आई थी यूट्यूब पे कि अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए, वहां से सर मोटिवेट होके मैंने कहा कि नहीं अभी तो इस बार लेना ही है सिलेक्शन, अभी 3 और एग्जाम बची हुई थी, एसबीए पीओ, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस सर, और इसमें सर हो गया। चलो बहुत बढ़िया यार, तो मतलब कुल मिला के एक बात तो समझ में आ गई, मुझे एक वीडियो और बनानी पड़ेगी जो अभी तक सिलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार तो मैंने बना दी, इस बार मैं एक्चुअल में हर बार कोशिश करता हूँ, इस बार मैं आप लोगों के साथ एक्चुअल में मैंने अबकी बार गोल यही रखा है कि जितने बच्चे सिलेक्ट हुए ना सबके साथ वीडियो जरूर करके आऊं, जितने लोग हो सके। आप ये समझ लो मेरे को 2.5 घंटे लग गया है, लेकिन मेरा चौथा ही वीडियो हो पाया। अब मैं चाहकर मतलब अगर आज भी पूरा टाइम लगाता हूँ, कल भी पूरा टाइम लगाता हूँ, तो शायद खत्म हो पाए, यकीन मानना। मतलब मैंने पूरा समय इसमें लगा रखा है कि यार कैसे भी उसे कि बच्चे को एक बार बताना पड़ेगा, बाकी लोग भी शायद कुछ ना कुछ अच्छी बात सीख कर थोड़ा सा वो भी मोटिवेट रहेंगे, तो जैसा भी होता है अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश यही रहती है। चलो बहुत बढ़िया लगा यार, बहुत बढ़िया, और कोशिश रहेगी आगे भी, और अभी आगे भी जाना है, अभी तो क्लर्क में हुआ है, मेंस में भी सिलेक्शन लेना है, पीयू में भी सिलेक्शन लेना है, यही रुकना है, मेहनत करिए है ना। नहीं सर, यस सर, और अभी आगे और बहुत जाना है। स्टूडेंट्स के लिए, अपने साथ के दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि रीजनिंग के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं है। मैंने सर आपकी जो लेक्चर होती है वही सिर्फ किए है, कुछ और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आपके लेक्चर ही किए है, और आप जो वो कराते थे यूट्यूब पे वही सर, बहुत मोर देन इनफ है सर, इनफ नहीं मोर देन इनफ है वो एग्जाम के लिए, उससे सर हो ही जाएगा। मैं रीजनिंग में बोलता हूँ कि कोई मॉक वॉक नहीं लगाना है, यूट्यूब वाला ही काफी है प्रैक्टिस के लिए, और मॉक तो मैं यस सर, तो क्या ऐसा ही फॉलो करते थे या कुछ और करते थे रीजनिंग? यस सर, रीजनिंग के लिए सर इतना बहुत ही है, बहुत ज्यादा है सर। देखो मैं एग्जाम से भी आप एक स्टेप ऊपर करा थे। इससे पहले मेरी बात हो रही थी शायद, पता नहीं किसी एक फीमेल से हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि सर मैंने कोई मॉक लगाया नहीं रीजनिंग के अंदर स्पेशली, हाँ एग्जाम के समय लगाए होंगे वो अलग बात है, लेकिन रीजनिंग में मॉक वगैरह ना प्री ना मेंस की उतना ही सफिशियंट है, आप डेली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये भी मैं बोलूंगा कि एक दो बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने ये बोला कि सर मैं बहुत सारे मॉक लगाता था, पर वो मॉक कौन से वाले, जैसे मैं जो देता हूँ मॉक वही वाले। तो मेरा ये कहना हर एक बच्चे की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, उस पर यकीन करना है और आगे बढ़ना है, शुरुआत में अप डाउन आएंगे, वही तो समय है, वही तो परीक्षा की घड़ी है असली। तो देखो बैंक का कंपटीशन समय ही तो मांगता है, और क्या करता है बैंक के कंपटीशन का मतलब ही है कि आप फोकस होने के साथ साथ बहुत ही दिमाग से शांत रहना बहुत पड़ेगा, कि ये नहीं आप ये सोचो कि इस बार तो पक्का हो ही जाएगा, जब आपको शायद उम्मीद होती है तब तो पक्का नहीं होता वो, है ना, ऐसा ही सर। यस सर, तो वही है एक्चुअल में, देखो परीक्षा है जिसमें आपने पास हुआ, और मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि तुम पीओ भी निकाल लोगे अब समय के बाद, क्योंकि एक सीढ़ी मिल गई, अब ये माइंड रिलैक्स हो गया एक तो, कि हाँ यार हो जाता है, जैसे कि आपने किया होगा कि जब एक प्री निकला तो एक थोड़ी ना निकला, फिर तो थोक के बहुत सारे प्री निकले, बहुत सारे निकल गए। इस बार भी आप जो भी एग्जाम दोगे मैक्सिमम प्री निकल जाएगा, अगर आपने टच नहीं छोड़ा तो, याद रखना ऐसा नहीं है तुम सीधा एग्जाम वाले दिन टच मत छोड़ना, प्री निकालना है तो, है ना। चलो ऑल दी बेस्ट, आपसे बात करके बहुत मजा आया मेरे को तो, बहुत थैंक यू वेरी मच सर। चलो ऑल दी वेरी बेस्ट, और सर एक बात कहना चाहूंगा कि आप जब भी गुजरात आओ तो मेरे यहाँ पे सर आपको रहना है और घूमने सब हम साथ में जाएंगे सर, प्लीज, ये सर रिक्वेस्ट है मेरी। मैं कोशिश करूंगा, देखो मैं ऐसा प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर हाँ कभी मैं आया तो जरूर आपको कॉल, मैं जो मैंने नंबर दे रखा है उस पर जरूर कॉल करूंगा, ठीक है? डेफिनेटली सर, एक कोशिश करेंगे हम लोग मीटअप कभी कर पाए उस तरफ या इस तरफ, तो मैं आपको इन्विटेशन जरूर भेजूंगा उस मीटअप के लिए, कोशिश करना 10 दिन पहले मैं बोलूंगा तो कोशिश करना आ जाओ, तो जरूर आना। Definitely आऊंगा सर। चलो all the best, thank you very much sir, bye bye।